अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आप सबका स्वागत है अफरो रेसिपी ब्लॉग में। तो बताओ हमें आज किस बारे में अपना ब्लॉग बन रहा है? तो आज बन रहा है, आज है हमारी ईद। बराबर। तो अभी तो मैं रेडी नहीं हुई हूँ, मगर आतिफ और अशरफ तुम्हारे भाई सब नमाज पढ़ के आ गए रजाई लोग। और मैं बोल देना चाहती हूँ आप लोगों को, मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। बाद में वापस जब मम्मी रेडी हो जाएंगे ना, तो मम्मी वापस आप लोग बोलेंगे। अचानक से पहले क्या करती थी मैं, रात को ही मतलब 1 बजे रात भर सोती नहीं थी और 2-3 बजे तक का मतलब जागती थी, और फिर उसके बाद में सुबह तक का मैं बिरयानी कुरकुमा सब बनाकर रेडी कर लेती थी। अभी क्या हो गया, अभी तुम अपना सेपरेट हो गया, किचन सेपरेट हो गया, आराम से मैं बना सकती हूँ। तो इसके लिए मैंने थोड़ा टाइम सो गई और अचानक मेरी तबीयत भी बहुत खराब हो गई थी, इतना बुखार चल गया था, 106-105 बुखार था अम्मी को। तो कल रात को मैं बोला चलो पहले डॉक्टर के पास, गले में अम्मी और अशरफ को दोनों को सेम चीज गले में इन्फेक्शन हो गई थी। अशरफ को बहुत ज्यादा हो गई थी और मम्मी को भी हुई थी, लेकिन मम्मी को इतनी नहीं हुई थी, अशरफ को ही जितनी। लेकिन दोनों को इंजेक्शन देके कल रात को लेके अच्छे डॉक्टर के पास, स्पेशली डॉक्टर के पास गए थे हम लोग गले में। उनको बोले कि हमारा की भाई कल हमारा ईद है, तो इन लोग को फटाफट ठीक कर दो करके। चावल एक्चुअली अम्मी हम बिरयानी घर में नहीं करने वाले थे, हम लोग सोचे थे की इस बार बाहर ऑर्डर देंगे, लेकिन मम्मी बोले कि नहीं करके। जब मैं अच्छी हो गई तो फिर क्यों ना बनाऊं, मतलब कंडीशन वैसी थी कि नहीं बना सकती, बराबर ज्यादा बुखार थी। तो उन्होंने नस से इंजेक्शन जो दिए ना, बोले 2 घंटे में तुमको आराम हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह 2 घंटे में मुझे आराम हो गया। बराबर। तो बस अभी मैं रेडी होऊंगी, खाना पक जाएगा, मैं रेडी होंगी और मैं इतनी खुश हूँ। और सबसे पहली बात तो मेरे को ना डबल ट्रिपल चौपल खुशी मिली है। बराबर है ना, जैसे कि मेरा नया घर भी बना, नए घर में हमारी पहली ईद है, नए घर में मेरी पहली ईद है। और उसके बाद में फिर मेरे YouTube के ऊपर अपलोड जैसे ब्लॉग पे 1 मिलियन हो गए, सब्सक्राइबर पूरे हो गए, यानी मेरी कंप्लीट हुई फैमिली को मैंने एक एक करके जोड़ के कंप्लीट की। मेरे इंस्टाग्राम की फैमिली को मैंने कंप्लीट की, 6 लाख हो गए। मेरे अफरोज किचन की फैमिली मेरी हो गई 8 लाख हो गए। तो इसीलिए डबल ट्रिपल चौकनी खुशी और मस्त एकदम रेडी होने वाली हूँ, मगर मेरे काम हो जाए उसके बाद। जैसे कि हम हलाल खाना खाते हैं, तो हमारी स्किन के लिए भी हमें हलाल प्रोडक्ट ही यूज करने चाहिए। तो आइए इस ईद हम रानिया के साथ ही रेडी होते हैं, जो 100% हलाल स्किन केयर ब्रांड है, जिसके सारे प्रोडक्ट दुनिया के सबसे बड़े लैब में बनते हैं। इन सब में अल्कोहल भी नहीं है और एनिमल फैट भी नहीं है। सबसे पहले मैं अपने फेस पे ये फॉर्म क्लींजर लगाती हूँ, ताकि मेरी स्किन से सारी गंदगी साफ हो जाए। इसे लगाने से मेरी स्किन एकदम स्मूथ और सॉफ्ट हो जाती है। इसके बाद मैं यूज कर रही हूँ गोल्ड वाटर एसेंस, जो कि मेरी ड्राई स्किन को तुरंत ही हाइड्रेट करता है। इसमें असली 24 कैरेट गोल्ड फ्लेक्स है। अगर मुझे ईद के टाइम पे किधर बाहर घूमने जाना होता है, तो मैं ये डे क्रीम जरूर लगा कर जाती हूँ। तो ये मेरी स्किन को यूवी से प्रोटेक्ट करता है, ये झुलडियों को भी कम करता है, नेचुरल ग्लोइंग स्किन देता है। ये सारे प्रोडक्ट आपको अमेजोन पे और फ्लिपकार्ट पे 60% ऑफ पे मिल जाएंगे। तो चले गाइस, माशाल्लाह मेरा अच्छी तरह से पूरा खाना बना के हो गया, बिरयानी बन गई, शिरकुमा बन गया। उसके बाद मैंने नहा ली, नहा के आके मैंने नमाज पढ़ ली। अभी मैं मिल रही हूँ मेरी फैमिली से, और ये वाला ड्रेस मेरा ईद का नहीं है, मगर ये भी नया ही वाला है। ईद में जो मैंने स्पेशल ईद के लिए जो ड्रेस ली हूँ, वो मैं शाम को 3 बजे या 4 बजे के टाइम पे पहनूंगी, खाना वाना खा के आराम से, खाने के बाद में है ना, आराम से, क्योंकि गर्म भी बहुत हो रहा है, तबीयत खराब थी करके दवे से मेरे को एकदम गर्माहट हो रही है। बाकी मैंने सब कुछ पहन ली हूँ, कैसा लग रहा है मुझे आप लोग जरूर बताना कमेंट में। अभी तुम्हारे भाई से पहले मैं मिल लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, हमेशा खुश रहे, इसी तरह तरक्की करते रहे, आमीन। और अल्लाह इसको बद नजर बुरी नजर से बचाए, आमीन आमीन। और आप लोग इसी तरह इसको सपोर्ट करते रहो, आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, अल्लाह बरकत दे वो जल्दी से।
और अजा ईद बनाने के लिए आज फुप्पू के पास आया, आज नहीं 4-5 दिन हो गया, 4-5 दिन से आया है फुप्पू के पास में ईद बनाने के लिए। कैसा लगा फुप्पू के घर में ईद बना के? अच्छा लग रहा है ना, अभी हर साल फुप्पू के पास ही आना ईद बनाने। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, मेरा बच्चा अच्छा हो गया। मेरे बच्चे की और मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई थी, अल्लाह ताला मेरे बच्चों को बहुत खुश रखे, दौलत से नवाजे। आमीन मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। कौन सा नहीं खा रहे? सब खा रहे, सब तो चले गए। यहाँ पे अभी मम्मी देखिए, ये ड्राई फ्रूट की प्लेट लेके आए थे ना अपन बम्बई से, अम्मी ड्राई फ्रूट की प्लेट लेके आई थी बम्बई से, तो ये सब ड्राई फ्रूट ऐसा निकाल रही हूँ थोड़े थोड़े। हाँ है ना, तो इसमें ना, पिस्ता है, पिस्ता है। हाँ। इसमें क्या है? इसमें नमकीन बादाम है, नमकीन बादाम है, इसमें तीखे वाले बादाम, काजू और किशमिश है, इसमें सब मिक्स वाले है बराबर। और बीच में क्या है? बीच में बड़ा वाला खजूर है, खजूर है, खजूर है। और उसमें मम्मी ने चॉकलेट भी रखने वाले अभी। मम्मी का ये ना सपना था ऐसा, है ना मम्मी, था क्या नहीं कि ईद के दिन ऐसा कोई मेरे घर पे आए तो ऐसा ड्राई फ्रूट रखे रे सेंटर टेबल पे, कोई भी आए तो ऐसा खाए, ये सब लेने का ऐसा सब करने का मेरा एक सपना था। अल्लाह ताला ने मेरे सपने को पूरा भी कर दिया। आमीन आमीन। मैं सोचती थी जब मैं फ्लैट में जाऊंगी तो ऐसा करूंगी, मगर फ्लैट में अल्लाह ताला बोले तुझे फ्लैट में जाने की जरूरत ही नहीं है, तू इधर ही सब कुछ कर सकती है। बराबर। ये चॉकलेट इस तरह से मैंने निकाल ली। हाँ, और यहाँ पे एक ग्लास भी रखा है ऐसा, ये भी नीचे है सेंटर टेबल पे रखे है हॉल में, कि बार बार कोई भी आएगा तो बार बार ऊपर आने की जरूरत नहीं पानी लेने के लिए। एक बड़ा वाला जग भर के रख दिए, इसमें ग्लास में डाल देने का, ये मस्त में अब पी लेने का एकदम रावस में। तो यहाँ पे देखे मम्मी आके ऐसा सेंटर टेबल पे रख दिए मस्त में एकदम, है ना मम्मी। यहाँ पे डैडी डैडी ट्रे लेके आ रहे पानी का। हाँ बंद बंद, खाना खाने के बाद। जबरदस्त। मस्त। तो चलिए गाइस, माशाल्लाह यहाँ पे हम लोग सब बैठ गए खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे मैं, ये सबकी मनपसंद बिरयानी है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। ये बिरयानी हमारे घर में सबको बहुत बोले तो बहुत पसंद आती है। हाँ। है ना, और ये ईद के दिन इसका टेस्ट ही अलग रहता है, खाने का मजेदार रहती है एकदम। देखो ये चावल है, अब इसके ऊपर इसका ग्रेवी गिरेगा। खा लिया, अब तो सो जाओ। बस बिरयानी खा लो, दो आटी शुशुरकुमा पी लो, खत्म, और सो जाओ मस्त एकदम। एक दो घंटा सो के उठो तो फ्रेश लगेगा। तो चले गाइस, माशाल्लाह हमारा खाना खाके हो गया अच्छी तरह से, मतलब आधा दिन हमारा चला गया। उसके बाद में मैं रेडी हुई, मैं रेडी हो रही नहीं थी, मगर आसिफ ने और आसिफ के डैडी ने इतना घाई, मतलब इतना मेरे को पीछे पड़े क्या रेडी होगा, साला को फोन करके बुलाए क्या के, आसिफ ने बोला मम्मी को रेडी करो पहले। हाँ, रेडी करो पहले। हाँ। और क्या बात है क्या नहीं है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे रेडी करके बोला बस तुम चलो मेरे साथ में। हाँ, अभी किधर चलो? तो ये आप लोग को भी मैं बता रहा हूँ कि एक सरप्राइज है मम्मी के लिए, मम्मी की ईदी है वो, ईद की, ठीक है। हाँ, मैं दे रहा हूँ, और वो ईदी डैडी को मालूम है, अशरफ को मालूम है, लेकिन मम्मी को नहीं मालूम। तो मैं मम्मी को, मतलब खाना वाना खा के हो गया उसके बाद मम्मी को
होल आ गया, मम्मी फटफट रेडी हो जाए। बोले किधर जाने का है? ये बोला तुम बस रेडी हो जाओ फिर अपन जाएंगे किधर, तो जाने का घर के वो आप तुम ले चलो बस साथ में, तुमको मालूम पड़ जाएगा, तुम चले गए ना तुमको मालूम पड़ जाएगा बस। हाँ कुछ है, कुछ तो सरप्राइज है, कुछ तो है। जैसा हर साल तुम ईद में गाड़ी लेते, मेरे को बाइक लिए, कार लिए, मेरे को फोन लिए, तो वैसा ही कुछ है। अच्छा। हाँ तुम देखना बस, चलो साथ में ठीक है। तो मैं मम्मी का लुक दिखा दो पीछे से आपको। हाँ। मम्मी कैसा रेडी हुए और मम्मी का ड्रेस कैसा है करके। तो कैसी लग रही हूँ मैं आज रेडी होके? मुझे मेकअप की है गजाला ने, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा मेकअप की है, सिंपल सा लुक है मेरा वाकई में अच्छा है। हाँ? अच्छा मेकअप है, अच्छा है। हाँ। और दूसरी बात ये ग्रेसिंग कैसी लग रही है, एकदम सिंपल और एकदम डिसेंट लुक चाहिए था मुझे, तो वो हिसाब से मैंने ये कलर ली मुझे और ये ग्रेसिंग। हाँ। और ये मेरी इसकी जूती है मैचिंग है ना, और मैंने इस तरह से कुछ गोल्ड पहनी हूँ इसके ऊपर, थोड़ी सी ये बैंगल, थोड़ी अंगूठी, एकदम बारीक सी नाजुक वाली अंगूठी पहनी हूँ मैंने, बड़ी वाली अंगूठी नहीं पहनी। और ये मैंने एक कड़ा पहनी हूँ और एक यहाँ पे मेरा एक डायमंड का सिंपल सा ब्रेसलेट है, बराबर है ना। और गले में भी एकदम सिंपल सा एक पैंडल सेट बनाई थी, ये मैंने ईद में अभी बनाई हूँ नया ये वाला। हाँ। क्योंकि ये मेरे ड्रेस को मैचिंग इसका जा रहा था, बराबर है ना। और इसका ये मैचिंग कान का भी है। और मुझे इस तरह के जो छोटी छोटी सी चीजें होती है ना, इसी वाली नाजुक वाली जो छोटी सी होती है, वो मुझे बहुत पसंद है, एकदम सिंपल लुक वाली, बराबर। तो चलिए अभी मैं बैठी हूँ। अब थोड़ा बहुत रील्स वील्स हम लोग करके निकलते, क्योंकि 6:30 हो गया है, हो गया अभी आधे घंटे में अंधेरा हो जाएगा, तो हम लोग 15-20 मिनट से निकल जाएंगे रील्स वील्स करके, ठीक है। बस निकलते हैं, फिर बाद में रात को आप लोगों को हमारे रात को निकल देखने मिलेंगे रील्स वीडियो। हाँ रील्स वीडियो आपको हमारे कल देखने, ये व्लॉग अपलोड होएगा मतलब आज ही देखने मिलेंगे, व्लॉग कल अपलोड होएगा ना। हाँ। तो आज ही आप लोगों को रील्स वीडियो देखने मिलेंगे, और शॉर्ट्स वीडियो देखने तो भी देखने मिल जाएंगे। अफरोज रेसिपी व्लॉग पे यही चैनल पे शॉर्ट्स मिल जाएंगे, और रील्स आपको अफरोज शेख 95 पे मिल जाएंगे। तो चलिए निकलते। और हाँ, तुम्हारे भाई ने मुझे ईदी दिए, मतलब ये जो ड्रेस मैंने पहनी हूँ, मुझे दो ड्रेस तुम्हारे भाई ने ईदी में दिलाए हैं, दोनों भी ड्रेस, और 10,000 में। हाँ। दो ड्रेस दिलाई, ये जो मैंने पहनी हूँ ये 5,000 का एक ड्रेस है, बराबर। ऐसे में कुछ अलग अलग पैटर्न में दो दिलाए। हाँ। है ना, सिंपल अच्छा था, ठीक है, अच्छा लग रहा था। तो चलिए अभी मेरी को मेरे बच्चे लोगों को ईदी देना बाकी है, अभी इन लोग पहले अपने डैडी से मांगते थे, मगर अभी मेरे से मांगने लगे हैं। अभी आसिफ की ईदी बाकी है, अशरफ की बाकी है, रजा की बाकी है, अब्बास की बाकी है, और हीबा की बाकी है। हाँ। कभी मैं शाम को सबको आज दे दूंगी, या नहीं तो कल सुबह में दूंगी ईदी, है ना। कभी मेरे को बाहर जा रही तो आने में लेट हो गया। तो चले गए, अभी हम लोग आ चुके हैं, मम्मी को लेके आया वो मैं विजय से, तो मम्मी समझ गए रहेंगे कि मैं विजय से फोन दिलाने वाला है। बराबर, तो मम्मी की ईदी है फोन, और वो कौन सा फोन है वो मम्मी के लिए सरप्राइज है, तो अंदर जाके मालूम पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। तो ये आसिफ की तरफ से मुझे फोन है। हाँ, पर मेरी तरफ से मम्मी को ईदी है। तो ये कैसा फोन मुझे दे रहा है, इसके पास पैसे कैसे आए, वो सब मैं आप लोगों को घर पे जाके बताऊंगी, आराम से बताएंगे ये पूरी बात। हाँ ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग अंदर जाते हैं और फोन ले लेते हैं। तो यहाँ पे मम्मी को मैंने फ़ोन दिखा दिया कि कौन सा वाला फ़ोन है। देखो ये वाला फ़ोन है, वो सैमसंग S24 Ultra, कलर भी यही, कलर भी सेम ग्रे कलर है। ये कलर मेरे को अच्छा लगा तो मैंने यही कलर ले लिया, बाकी इसमें और ब्लैक कलर था और पर्पल कलर था, तो वो सब इतना अच्छा नहीं लग रहा था, ये कलर ट्रेंडिंग कलर था। हाँ, यहाँ पर हमारा बॉक्स रेडी हो चुका है फ़ोन का, वो चार्जर भी हो चुका है। कुछ मम्मी हैप्पी मस्त एकदम। अरे मम्मी अनबॉक्सिंग करेंगे इधर ही, मम्मी को बोल रहा इसका वॉच लेने का है क्या तुमको? नहीं, लेने का है वॉच? वॉच नहीं चाहिए ना। और इधर फोल्डिंग वाला भी फ़ोन था, Z Fold 5, Z Flip 5, रैम, ठीक है। मैं बोला ये वाला नहीं करके, ये वाला मम्मी को इतना यूज़ में नहीं आएगा, तो ये वाला सबसे बेस्ट फ़ोन। मम्मी की ईद की ईदी। हाँ, ये कौन सा? S23 है, S24 है, S24 Plus है, S24 Ultra सबसे अच्छा ये वाला है।
तो तीनों फ़ोन में से वाला फ़ोन सबसे बेस्ट है। कैमरा क्वालिटी भी इसकी अच्छी है, वीडियो क्वालिटी भी अच्छी है, दिखने में भी ऐसा प्रीमियम लगता है, एकदम बड़ा लगता है। इसके लिए मैं ये वाला ही लिया। तो गाइस यहाँ पे अभी पेमेंट होने जा रही है फ़ोन की। चलेगा यहाँ पे अभी हम लोग घर पे आ गए फोन लेके आराम से। तो मम्मी बोले फोन में आप लोगों को आराम से दिखाती हूँ। पहला में ये जो मिठाई है, हाँ। ये मिठाई बांट देते। मम्मी ये मिठाई तुम क्यों बांट रहे, जरा एक्सप्लेन कर दो। मैं हमेशा शुरकुम्मा बांटती थी, जैसे कि मोमेडनों के घर पे नहीं देती थी, जितने हमारे महाराष्ट्रीय भाई लोग है उन लोग के घर पे मैं शुरकुम्मा देती थी। तो इस टाइम पे मैंने सोची कि शुरकुम्मा नहीं बांटूंगी, मैं मिठाई बांटूंगी। जितने भी महाराष्ट्रीय अपने मियाँ भाई के घर पे तो शुरकुम्मा बनता ही है, सब बराबर है ना, तो उनके घर पे हम नहीं देते हैं। हम हमारी ईद की खुशी हम हमारे महाराष्ट्रीय जो भाई लोग रहते हैं उन लोगों के साथ में बनाते हैं। तो मैंने ये टाइम पे शुरकुम्मा हमारा 6 लीटर का ही बनाई, मैं हमेशा 15 लीटर का बनाती थी। तो मैं बोली कि ये टाइम पे हम सिर्फ घर बोलता शुरकुम्मा बनाएंगे और ये मिठाई हम सब। और इस बार कैसा हमारा किचन ऊपर हो गया है, तो शुरकुम्मा लेने के लिए बार बार ऊपर नीचे करना पड़ता था, वो भी मम्मी को ही। हाँ। तो इसके लिए हम लोग ये बार सोचे, मम्मी ने आइडिया लगाए कि इस बार हम लोग ऐसा मिठाई, क्या है मिठाई में, ये मोतीचूर का लड्डू है, इसको अपन बांटेंगे करके। तो कितने बॉक्स है, हर साल में ऐसे बांटेंगे, हर साल जैसे कि 20 घर है, हाँ। तो 20 घर के हिसाब से मैं बांट रही हूँ। हाँ। है ना, बराबर। तो चलो, तो चलिए गाइस, माशाल्लाह मेरी तो ईदी मुझे मिल गई, मुझे इन्होंने दे दी ईदी और इन्होंने बच्चे लोग को भी ईदी दे दी है। अभी मेरे बच्चे लोगों को मुझे ईदी देना है ना। हाँ। तो मैं बोल रही थी कि मैं कल दे दूंगी, बोले नहीं आज ईद है तो तुम आज ही ईदी दो हम लोगों को, बराबर है ना। हाँ। तो चलो अभी सबसे पहले शुरुआत करते हैं अशरफ से, क्योंकि अशरफ को एकदम सबर नहीं है, मम्मी को भी ईदी देंगे, अशरफ को दे दो। तो अभी मेरे बड़े बेटे को वालेकुम अस्सलाम और अच्छा को मेरी तरफ से अच्छा बताइए। और हेबा को भी मेरी तरफ से बहुत सारा पैसा हो गया था। अभी कल अब्बास आएगा, अब्बास को देने का है ना, आएंगे तो लोग। तो जैसे कि आप सब लोग ने देख लिए कि आसिफ ने मुझे मोबाइल दिलाया है ना, यहाँ पर हम लोग मोबाइल लेके घर पे आ गए। इस बारे में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी, ये मुझे एकदम सरप्राइज गिफ्ट दिया है आसिफ ने। और ये मुझे जब बाहर मुझे जाने के बाद में मैं इसे पूछी कि तेरे पास में कैसे इतने पैसे आ गए, और ये मोबाइल पूरा कैश में लिया है करके, है ना। तो इसने कहा ये मम्मी तुम्हारा ही पैसा है, मैं तुम्हारे पैसे से तुम जो मुझे मतलब जैसे कि मैं अभी ये जैसे कि शूट करता है मेरा, वीडियो निकालता है आसिफ, और बच्चा इतनी मेहनत करता है, तो मैं इसको 1.5 साल से मैं इसको पेमेंट दे रही थी। मतलब मैं बोली ये भी तेरा एक जॉब है, अगर तू ये काम नहीं करता तो तू दूसरी जगह किधर जाके काम करता, तो तेरे को जॉब मिलती तो तू कम से कम तुझे पेमेंट तो मिलती ना। हाँ। तो वो पैसा तेरे को काम आता, तो तू ये समझ तू मम्मी के वीडियो निकाल रहा है, मम्मी को वीडियो शूट कर रहा है, एडिटिंग कर रहा है, जो भी कर रहा है। तो करके इसने क्या किया, ये पैसे को जमा किया पूरा। कितना जमा किया पूरा, 1,40,000। 1,40,000 रुपए जमा किया इसने, और वो 1,40,000 से मेरे को ही फोन लेके दिया। मतलब उसके
का मतलब एक था, मतलब क्या अगर जब मैं खुद काम करूंगा और जब मेरी पेमेंट आएगी तो सबसे पहले मैं मेरी मम्मी के लिए कुछ गिफ्ट लूंगा। हाँ। मम्मी को कुछ गिफ्ट दूंगा। हाँ, मम्मी सोचा था कि पहले कुछ सोना बना के दो, लेकिन मैं बोला सोना तो मम्मी खुद ही ले लेते, खुद ही बना लेते। लेकिन बोला ये फोन मम्मी बहुत 4 साल से यूज कर रही है, एक ही फोन एकदम घिस गया था वो फोन, फिर मम्मी वही फोन यूज करते थे। अभी किधर आते जाते तो अच्छा नहीं लगता है। मेरे पास है आईफोन, लेकिन मम्मी के पास भी तो कोई अच्छा फोन रहना चाहिए ना, कि जब दिखे तो जब लगे हाँ भाई कि अफरोज आपा के हाथ में कोई एक फोन है करके। और मैं सोचा कि आईफोन लूँ, लेकिन मम्मी को आईफोन चलाने का जमता नहीं है। मम्मी को मेरा फोन में दिखाया था ऐसा ही कि मम्मी उसको यूज करके दिखाओ, तुमको आता है क्या यूज करने के लिए? तो मम्मी को आ रहा ही नहीं था, समझ नहीं था। मैं फिर सोचा नहीं आईफोन नहीं लेता हूँ, सैमसंग का कोई अच्छा फोन लेता हूँ, तो मैंने ये फोन लिया। तो ये फोन मतलब मुझे चलाने के लिए इसकी आदत है। हाँ, एंड्रॉइड ही है ना ये, तो मम्मी को आ जाएगा चलाना, इजी रहेगा। अल्लाह ताला इसी तरह से मेरे बच्चों को नेक अखलाक दे, ऐसी मेरे बच्चों के दिल में ऐसी तरह से अपने माँ बाप के लिए प्यार रखे। हाँ। और मेरे ही बच्चों को नहीं, हर एक माँ बाप को अल्लाह ताला इसी तरह की औलाद नवाजे, बस ये हाँ, मैं दुआ करती हूँ। अच्छा कलर भी इसी ने पसंद किया, ग्रे कलर, सब सब टोटल इसी ने काम किया। S24 मेरे हाथ में दिया है मोबाइल, एकदम अभी इसके पीछे आगे ग्लास, पीछे ग्लास लगाए, कवर वगैरह लगाए, एकदम मस्त। और ये इसका चार्जर अलग से मिलता है, चार्जर ये फास्ट चार्जर लिया। अच्छा, पहले जैसा एयरफोन वगैरह सब मिलता नहीं, था, नहीं, सब पहले जैसा नहीं, बॉक्स ही इतना पतला हो गया, देखो छोटा सा सब छोटा बॉक्स है। अभी इसको हम ऑन करेंगे, ऑन हो गया ये। अच्छा पहले जो मेरा फोन था इसका ही था। हाँ, सबसे पहले था ना S9 Plus था तुम्हारे पास, यही वाला था। सिम वगैरह डाल के सब व्हाट्सएप इंस्टा यूट्यूब मम्मी का सब इसके अंदर खोल दूंगा, मम्मी को मैं दे दूंगा अच्छे सेटअप करके। मस्त स्क्रीन खाली 7.8 इंच की है, 6.9 इंच की स्क्रीन है माशाल्लाह। ऐसा कैमरा बहुत मस्त है ना, कैसा लगा मम्मी तुमको? बहुत अच्छा लगा। मेरे को तो इतना फोन में ज्यादा किचन के कलर में सूट हो गया, ग्रे कलर में। हाँ, ग्रे कलर में सूट हो गया। और हाथ में पकड़े के भी तो कुछ लगेगा क्या? हाँ, पकड़े बड़ा फोन एकदम। मुझे इतना मोबाइल वगैरह का शौक नहीं है, गोल्ड का शौक है मगर मोबाइल का इतना नहीं। मगर आसिफ के पसंद की दाद देती हूँ कि आसिफ ने मुझे दिया, गिफ्ट दिया ना। आज ये साल ये टाइम में मुझे बहुत गिफ्ट मिले, तुम्हारे भाई ने भी मुझे गिफ्ट दिए, यानी कपड़े लेके दिए, आप लोग ने भी गिफ्ट दिए, 1 मिलियन सब्सक्राइबर कर दिए, यूट्यूब इंस्टाग्राम पे 6 लाख हो गए, अफरोज किचन पे 8 लाख हो गए, ये ब्लॉग वाले पे मेरे 1 मिलियन हो गए, और ऐसे भाई ने तुम्हारे मुझे कपड़े दिए, फोन आया ये साल का, और नए घर में पहली ईद बनी, नए घर में पहली ईद बनी, तो ये साल तो मेरा बहुत ही अच्छा गया है ना, माशाल्लाह। तो चलिए, कैसा लगा आप लोग को हमारा ईद का व्लॉग? और मम्मी मतलब मैंने सबसे सरप्राइज दिया मम्मी को, वो कैसा लगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना। तो फिर मिलते हैं एक अच्छे व्लॉग के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखना, इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो हमारे यूट्यूब चैनल अफरो रेसिपी व्लॉग को।